तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज हम करते करते सीखेंगे, मतलब कि कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे और सीखेंगे दो चीज, लूप, और हम प्रैक्टिस करेंगे इफ कंडीशन जो कि हमने कल की क्लास में सीखा था। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोगों ने फाइल ओपन कर लिया है जो लोग सिस्टम से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले नंबर करने मेरे स्क्रीन पे आइए, सबसे पहला नंबर करना जो कंडीशंस है वो समझिए। कंडीशन ए है कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 40 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 60 है, तो हम हर क्वांटिटी को 40 रुपीज पर पीस के हिसाब से कमीशन देंगे, और इसको हम इफ कंडीशन से भी करना है विदाउट इफ कंडीशन से भी करना है। तो चलिए हम विजुअल बेसिक खोलते हैं और यहाँ पे हम अच्छा इसमें क्वेश्चंस पहले से बने हैं तो मैं एक बार सारा मॉड्यूल्स जो है ना डिलीट मार देता हूँ। लग रहा है सॉल्व वाली फाइल मिल गई आपको। क्वेश्चन नंबर वन पे ही आते हैं सारे और यहां से हम आप लोग एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिएगा। चलिए तो सब्जेक्ट, सभी ने नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया। सब्जेक्ट डिफाइन कीजिए, क्वेश्चन नंबर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज। हमीद जी प्लीज रिप्लाई किया कीजिए। तो यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर वन और ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि अगर क्वांटिटी तो 60 से ऊपर है तो हमें कमीशन देना है। कितना कमीशन देना है? तो कमीशन देना है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40, क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देते हैं, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल ले लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ कि डिम क्यू एज ए लॉन्ग और डिम कमीशन सी एज ए लॉन्ग, दो लॉन्ग डिफाइन किया। अब मैंने क्यू इक्वल टू लिखा रेंज सी केस सी टू नहीं होगा, बी टू होगा, बी टू डॉट वैल्यू। हमने यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर लोड कर दिया। अब कंडीशन लगाएंगे कि इफ क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन सी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 40, यहाँ 60 होगा ना, 60 क्यू मल्टीप्लाई बाई 40 और यहाँ एल्स देंगे सी इक्वल टू 0 है यहाँ पे एंड इफ लग गया। अब जो रिजल्ट है कहाँ स्टोर है? सी के ऊपर स्टोर है और हमें डालना कहाँ है? तो हमें डालना है यहाँ सी टू पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेंज सी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू सी। सबको समझ में आ गया चीज? किसी को कंफ्यूजन? चंद्रशेखर जी, नितिन जी, लॉन्ग में तो नंबर है तो लॉन्ग ही ले लेते हैं ना, इंटीजर लेंगे तो 32,000 तक ही रहेगा ना सर। तो आप लोग कौन कौन लोग कर रहे हैं, मैं कौन कौन लोग कर रहे हैं मेरे साथ, कोड से कोड मिला के कितने लोग चल रहे हैं, या कंधे से कंधे नहीं कोड से कोड मिलाना है। अच्छा और प्लीज चैट मत कीजिएगा, डायरेक्ट बोलिए, चैट देखने का टाइम नहीं है। ये कोड कर लिया आपने?
अब इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक सेल पे 10 आया। यहां पे मान लीजिए 65 कर दिया, तो रन करने पे यहां पे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेल पे आ रहा है, आ रहा है ना, मुझे बाकी सब में चाहिए। अब क्या लग रहा है कि मुझे इसको एक एक करके नीचे C2, C3, C5, C6 करना पड़ जाएगा। तो यहां पे क्या लगाएंगे, लूप, और लूप को यहां इस पूरे कंडीशंस को लूप के अंदर देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, लूप के अंदर कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है। वेरिएबल जब भी डिक्लेयर होगा लूप के बाद होगा, लूप से पहले होगा या बाद होगा। यहां लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले, और मेरा डेटा स्टार्ट कहां से है, 2 से है, खत्म कहां पे, 12 पे है। यहां कर दिया 2 2 12, और फिर नीचे कर देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आई। अब मैं रन करूंगा तो इस कोड को 12 बार रन करेगा। जैसे मैं यहां पे अगर एमएसजी सॉरी रन करूं यहां पे कि 4 आई इक्वल टू चले 1 2 3, और यहां पे हमने नेक्स्ट आई किया, इसके बीच में कर दिया एमएसजी बॉक्स हाय। अब अगर इस माइक्रो इफ वन माइक्रो हो जाए, इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि मेरा हाय का मैसेज मुझे 3 बार शो करेगा, 1 2 3। उसी तरह से इसको अगर रन करूं तो यहां पे 3 बार वैल्यू डालेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार यहां पे 12 बार चलेगा, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे हर बार मेरा इनपुट अलग होगा और मेरा आउटपुट अलग। तो जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आई को लूं, आई क्या है यहां पे, आई हमारा काउंटर है, लूप कितना बार चल चुका है इसका काउंट अपने पास रखता है कौन, आई, समझे। जब मैं इसको रन करूंगा तो रन करते ही वो आपको दिखाएगा कि लूप वा यहां पे हाई 1 हाई 2 हाई 3 इस तरह से। उसी तरह से अगर मैं इसको रन करूं तो आय हो जाएगा 2 3 4 5 इस तरह से। तो क्यों ना इस 2 को लिया और कॉन्केट कर दिया मैंने आई को, और यहां भी 2 को हटाया और कॉन्केट कर दिया आई को, ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो देखिए पूरा रिजल्ट आया। चलिए आप लोग कीजिए इसको। चिरंदीप जी सिस्टम से है, सेलफोन से ऐसे है, सेलफोन से है, बिल्कुल आ रही है सर। सिस्टम बहुत हैंग करता है, ऊपर क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे लैपटॉप लेना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर बड़ी मुश्किल से ही मैं कॉल मैं कर पा रहा हूँ कुछ इस वीक से, तो ये फिगर आउट अब ये इसको कैसे फिक्स करूँ। पर मैं या तो मैं टीम चला सकता हूँ या मैं एक्सेल चला सकता हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ। सिस्टम पुराना है कि नया है? पुराना है जी। हाँ तो आप उसमें 2-3 हज़ार खर्च करें, आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। रैम को अपग्रेड, रैम को अपग्रेड करें और एचडीडी को हटा के एसएसडी लगा, एचडीडी लगा, सॉरी एसएसडी, ये सब मैं करके काम पर ये के बाद भी नहीं सर, उसके बाद भी हैंग हो रहा है, उसके बाद भी हैंग हो रहा है। पिछले साल मैंने पिछले साल किया था, थोड़ा ठीक हो गया था, अब मैं ही ले रहा हूं। तो उसका एक और उपाय है, लैपटॉप को लीजिए, हार्ड डिस्क निकाल कर रख लीजिए और लैपटॉप लेके जाइए, घर के आगे निकलिएगा, राइट साइड जाइएगा, राइट का गन एक राइट दीजिएगा, एक अगेन राइट आई, 3 राइट लीजिएगा, आपको सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डस्टबिन दिखेगा, उसमें फेंक दीजिएगा, यही करना पड़ेगा। और फिर वहां से आगे जाइएगा, ओला पकड़िएगा और मुफ्त में जाकर न्याय ले लीजिएगा, इससे बेटर सोल्यूशन नहीं। देखिए याद रखिएगा, आपका सिस्टम आपका गन है, मतलब कि आपका एमिनेशन है, और गन हमेशा अपडेटेड होना चाहिए।
मोबाइल का नया वर्जन आते हैं मोबाइल चेंज कर लेते हैं और लैपटॉप नहीं चेंज करते हैं। सोचिए मोबाइल आपने कितना चेंज किया होगा। चलिए सर यही सब गप्पे मारते रहेंगे तो जाए हो गया सबका कोटिंग हो गई आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एंड विदाउट यूजिंग इफ, मतलब कि जो इफ कंडीशंस है ये जो लगा रखा है इसको बगैर क्या इसको किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसको मैं करके दिखाता हूं पहले एक्सेल पे कि हम इसको लेंगे ग्रेटर देन 60 लगाएं तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा और सिस्टम में ट्रू 1 होता है और फॉल्स 0 होता है। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में लेके इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसी से तो क्या होगा कि जो नंबर 60 से ज्यादा है वो आएंगे बाकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 40 करूंगा तो क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। एक कंसेप्ट समझ में आया। एक इंटरव्यू क्वेश्चन था एक बड़ी कंपनी नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा गया था आज से करीब करीब 11 साल पहले और मुझे बड़े अच्छे लगा था तो कल से 11 साल तक इसको दो रहा हूं। इससे क्या पता चलता है। इससे पता चलता है कि जब कंडीशन इंप्लाइज ना हो तो अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है। जैसे कहावत है ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करे और उंगली टेढ़ी होने से भी ना निकले तो डब्बे को फोड़ दे। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो बाकी यहां पे नीचे आते हैं। तो यहां पे हम देते हैं सेम एक और माइक्रो बनाते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर अंडरस्कोर 1 का पार्ट 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे हम देंगे सबसे पहले डिम एल एज ए लॉन्ग ठीक है और इस एल के ऊपर देंगे रेंज बी टू डॉट वैल्यू ठीक है। अब मैं यहां पे सिंपल करना चाहता हूं कि सी इक्वल टू एल इज ग्रेटर देन 60 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बाई एल देन बाई 40। 10 मिनट ठीक है। अब एक बार मैं मैसेज बॉक्स में देखता हूं एमएसजी बॉक्स में कि रिजल्ट क्या आया है सी के। तो यहां देखिए -3600 आया। अब -3600 क्यों आया भाई माइनस में रिजल्ट क्यों आ गया क्योंकि यहां तो प्लस में है ना। तो माइनस में रिजल्ट आने का पर्पस हो सकता है कि वीवीए जब मल्टीप्लाई करता है लॉजिकल से तो आई थिंक उसको माइनस में कर देता है। अगर मैं इसको हटा दूं 40 को तो आप देखेंगे यहां पे कि -65 है राइट सर। तो ये वीवीए का प्रॉब्लम है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको +6 का -6 को प्लस कर दे तो क्या आएगा रिजल्ट +6। हर चीज तो वार होता है ना सर। अब इसको मैं किया रेंज सी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू सेम। तो आप याद रखिए अगर लूप में कंफ्यूजन है तो पहले आप मैनुअल एक सेल को करें
अब मुझे इसी सेल को रिपीट करना है, तो क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। लूप में यहां देंगे फोर, आ इक्वल टू चले, यहां रहा टू, तो टू दे दिया। अब मेरी एंड जो है जरूरी नहीं है कि वो 12 हो, ज्यादा हो सकता है, तो क्या करेंगे इसके लिए, कुछ सजेशन देंगे मुझे? जी हाँ, यहां देंगे रेंज, रेंज जो देंगे ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो, ठीक है। अब जहां जहां पे टू है वहां पे क्या कर देंगे, आई लगा देंगे। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, इसको हम सेल्स लेके भी चल सकते हैं कि सेल्स आई रो हो जाएगा कॉलम नंबर टू, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां भी करेंगे कि सेल्स आई रो एंड कॉलम नंबर थ्री, ये थोड़ा आसान हो गया ना सर। और फिर नेक्स्ट आई कर दिया और इसको रन किया, देखिए रिजल्ट में यहां पे -6 कर दीजिएगा तो आ जाएगा, हो गया। यहां दो चीजें, यहां पे इफ कंडीशन तो हमने कल पढ़ा ही था, बट यहां पे आपको लूप की फंक्शनलिटी समझ में आ रही है ना सबको, किसी को ऐसा है कि यहां सर लूप दिमाग से ऊपर जा रहा है, ऐसा कोई है स्टूडेंट बैच में? नहीं है ना? आगे बढ़ू दूसरी क्वेश्चन की तरफ या रुकू? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपके कहने पे। क्वेश्चन नंबर टू भी सिंपल है, अभी बाकी क्वेश्चन सिंपलाइज है तो हम थोड़ा सा स्पीड करते हैं। एक क्या है कि मुझे यहाँ पे पास और फेल देना है, कब, जब मार्क्स मेरे ग्रेटर देन 40 होगा तब। तो यहां पे लगाते हैं सब्जेक्ट, यहां पे क्वेश्चंस नंबर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे हम देते हैं डिम मार्क्स, होते एम एज ए लॉन्ग, एम एज ए लॉन्ग, फिर डिम आर एज ए, यहां क्या डालेंगे सर, कोई सजेस्ट करेगा मुझे? टेक्स्ट होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। अब यहां पे हम लगाएंगे लूप, एक कर लेते हैं पहले, हम करेंगे यहां पे कि एन इक्वल टू, यहां हम सेल्स लेके ही चलते हैं कि यहां पे वन रो टू रो होगा, तो टू रो एंड टू कॉलन डॉट वैल्यू, फिर कंडीशन होगा कि m इज ग्रेटर देन 40 देन r इक्वल टू पास एल्स r इक्वल टू फेल, और यहां पे एंड इफ, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सेल्स टू कॉमा, यहां पे कॉलम नंबर क्या देंगे हम, थ्री डॉट वैल्यू इक्वल टू। हाँ अब इसको लूप में डालेंगे, फोर आई इक्वल टू चले टू टू 11, और फिर यहां पे नेक्स्ट आई,
रन कीजिए रिजल्ट आएगा। यहां पे एक ही सेल पे क्यों आया, क्या चेंज करें जब बाकियों पे आ जाए? ये यहां पे आई, आई के यूज किया कहीं पे तो चेंज होगा। हाँ अब रन कीजिए अलग अलग रो में चला जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं? यस सर। जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ वो बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा रुक जाइए, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो बोलेंगे आगे बढ़िए। ठीक है चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में सेम है, क्वेश्चन ये है कि अगर डिस्टेंस 200 से है तो एरिया आना चाहिए एसटीडी अदरवाइज लोकल। तो सिमिलर ये जो कोड है यही सिमिलर है, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते। इसमें क्या होगा, जो यहाँ हमारा 2 आ गया डॉट वैल्यू और 11 के जगह पे यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे कंडीशन क्या करेंगे 200। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए एसटीडी। अदरवाइज लोकल सिमिलर था। हाँ ग्रेटर देन 200 है तो स्टीडी हो, रन करते। अच्छा डीटीडी हो गए, अरे कोई बात नहीं भावनाओं को समझिए। एक नाम के दो माइक्रो नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एंड रन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर कि अगर MRP ग्रेटर देन 500 हुआ तो 12% का टैक्स लगेगा अदरवाइज 2% का टैक्स लगेगा। इसको भी लूप में अब क्या करते हैं डायरेक्ट लूप लगाते हैं। ठीक है तो सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 ब्रैकेट ओपन क्लोज वेरिएबल लेते हैं कि डिम एम एज ए या MRP एज ए लॉन्ग और डिम हम टी को क्या डिफाइन करें टैक्स के लिए बताइए, या लॉन्ग डिफाइन करना सही रहेगा? किसी ने स्ट्रिंग बोला है, क्या हुआ स्ट्रिंग कैसे आएगा? टैक्स आपका टैक्स जो है टैक्स थोड़ी है तो टैक्स है वो सब लॉन्ग या डबल होगा? लॉन्ग तो होगा ही नहीं डबल होगा। क्यों डबल होगा? क्योंकि जब परसेंटेज कैलकुलेट होता है तो डेसिमल तो आता ही है ना सर, तो यहां देंगे डबल। हम लॉन्ग कब लेंगे जब मुझे टैक्स को राउंड फिगर में शो करना है। मैं चाहता हूं कि टैक्स कैलकुलेट होके डेसिमल में ना, देन यूज करेंगे आप लॉन्ग। अब यहां पे डायरेक्ट लूप लगाते हैं कि 4i = चले 2 कितना 16। इसको आप ऑटोमेट कर देंगे, हर बार में ऑटोमेट नहीं कर रहा हूं आप कर लीजिएगा ठीक है ना, बट आप ऑटोमेट करके डालिएगा, मैं ऐसे ही डाल देता हूं टाइम बचाने के लिए। तो यहां पे हमने बोला कि M = सेल्स और सेल्स में हमने यहां डाला I और कॉलम नंबर 2 डॉट वैल्यू और फिर कंडीशन होगा कि M > 500 या > = भी कर सकते हैं 500 देन
टी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय, अब 5% कैसे करेंगे, 12% कैसे करेंगे, 0.12 या फिर इन दी ब्रैकेट 12 डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर एल्स टी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय 0.05 और यहाँ पे हो जाएगा एंड इफ, और यहाँ हो जाएगा सेल्स आई कॉमा टू, टू नहीं थ्री होगा, थ्री डॉट वैल्यू। अच्छा आई को मैं टू से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, फोर को टू से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या बोल रहे अच्छा दो बार आ गया ना इक्वल टू, हाँ वो कर रहा हूँ ना, ये तो मैं कर ही वाला था, अब मैं ये बोल रहा था कि मैं यहाँ टू से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या ये फिक्स है टू से स्टार्ट करना है, हाँ यहाँ हम वन से भी कर सकते हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस रो नंबर के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। अब इसको रन कीजिए, आ गया सर, जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं, बोलेंगे तो रुकूंगा। क्या डेसिमल आ तो रहा है, जिसमें डेसिमल होगा, जिसमें डेसिमल होगा और डेसिमल आएगा, जिसमें डेसिमल नहीं होगा थोड़ा डेसिमल लगा देगा, क्या इसकी बात कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट दो डेसिमल ही शो करेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, आगे बढ़ूं फाइव की तरफ, तो यहां लॉन्ग कर दीजिए डबल के जगह पे, अब क्वेश्चन नंबर फाइव, ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब यहां पे क्या है कि ड्यूटी अगर रात के 12 बजे से ऊपर की है, 10 बजे से ऊपर की है तो यहां आना चाहिए हमारा ओटी अदरवाइज एनटी, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिया डिम एन टाइम ई एन एज ए, हमने बोला डेट टाइम, डेट डेट के ऊपर डेट एंड टाइम दोनों आता है, और डिम टी एज ए ऑल्सो डेट, ठीक है। अब ईडी को हमने सेट किया कि ईडी इक्वल टू रात के 10 बजे, 10 यहाँ पे 22 करना पड़ेगा, 24 घंटे को करना पड़ेगा, अदरवाइज एम पी एम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहां करते हैं डिम डी एज ए स्ट्रिंग, अब यहां पे हमने बोला कि फोर आई इक्वल टू चले 2 to 17 और नेक्स्ट भाई, अब कंडीशन यहां पे लेंगे हम इस टी इक्वल टू सेल्स में लेंगे आई नंबर रो एंड वन नंबर कॉलन डॉट वैल्यू, फिर कंडीशन होगा कि इफ टी इज ग्रेटर देन ईडी देन डी इक्वल टू ओटी एल्स D इक्वल टू एन टी नॉर्मल ड्यूटी, और यहां पे
एंड एयर, और वापस सेल्स यहां पे देंगे हम आई कॉमा टू नंबर डॉट वैल्यू इक्वल टू डी, और नेक्स्ट आई तो पहले से लगा है तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब रन कीजिए इसको, ठीक है। अब यहां पे कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग होंगे जो आप दिमाग में क्वेश्चन लगा रहे होंगे कि सर अगर रात के सुबह के 5 बजे एनडी क्यों लगा हुआ है, 4 बजे एनडी क्यों लगा हुआ, ये ओडी लगना चाहिए ना सर, क्योंकि ये टाइम है सिर्फ 12 बजे के बाद वो 1 हो जाएगा और 10 और 1 छोटा 22 और 1 छोटा होता है ना सर, इसलिए। तो इसका सलूशन ये है कि हमें टाइम यहाँ जो टाइम यहां भी और यहां भी डेट और टाइम इकट्ठा लिखना होगा कि किस तारीख का कितना बजे, देन ए परफेक्ट दिखा है, ठीक है सर। कोड में कोई दिक्कत नहीं, कोड बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा इनपुट गलत, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अभी तक जो सिंपल सिंपल चल रहा था तो आप जी सर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां आए, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि S1 से लेके S5 तक जितने भी हैं वो सारे के सारे अगर ग्रेटर देन 33 है तो रिजल्ट पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो सब्जेक्ट हमने किया क्वेश्चंस नंबर 6। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 ऐसे 6 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, डिम सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 कॉमा सब्जेक्ट 3 कॉमा सब्जेक्ट 4 कॉमा सब्जेक्ट 5 एज ए हम करेंगे लॉन्ग, फिर करेंगे डिम आर एज ए स्ट्रिंग, रिजल्ट हमारे स्ट्रिंग पास और फेल, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 1 इक्वल टू सेल्स आई रो एंड 2 कॉलन करेंगे ना क्या सर। तो इसको ना करके हम एरे का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे एरे, हम बोलेंगे कि डिम एस, एस के अंदर हमने बोला कि 1 2 5, ये क्या बोला 1 2 5 एज ए लॉन्ग, तो हमने एक एरे डिफाइन किया, मतलब हमने एरे डिफाइन कर दिया कि एस जो है उसके अंदर 5 रो हैं, ठीक है ना। अब यहां पे सिंपली लूप लगाते हैं कि 4 i = 2 to 14, ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब मैं इस एस के ऊपर डेटा लोड करना है, एस के ऊपर डेटा लोड करने के लिए लिखेंगे कि S1 = sales i row 1 colon dot value, ऐसे ही फिर S2, तो ये तो टाइम लगा देगा ना, तो वेरिएबल डिफाइन कर लेता ना, एरे को डिफाइन किया, तो एज द केस में हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे अगेन लूप कि 4 j = अब 4 i को नहीं कर सकता क्योंकि i ले चुका हूं मैं, तो 4 j = चले 1 2 4 5 1 2 5 5 सब्जेक्ट है ना, इसलिए, और यहां पे नेक्स्ट j। अब यहां पे मैं कर दूंगा j और यहां भी कर दूंगा j, इससे क्या होगा सर कि जितने भी सेल्स है एक बार में लोड हो जाएंगे, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट एस के ऊपर आ गए, अब मुझे चेक कर, ठीक है। तो चेक करने के लिए इफ हमने बोला कि S1 is greater than equal to 33, फिर लगाएंगे फॉर्मूला एंड S2 is greater than equal to 33, फिर देंगे अगेन एंड
तो ये एंड एंड करेंगे, अगर क्वेश्चन अगर 10-15-20 हुआ तो काफी लंबा करना पड़ जाएगा क्या सर? क्या इसमें लूप नहीं लगा सकते? बिल्कुल लूप लगा सकते हैं। कैसे? तो जैसे यहां हमने जो कंडीशंस लगाए थे ना, यहाँ लगाए ना, यहां पे दे सकते हैं, या फिर एक और लूप लगा सकते हैं कि फोर के इक्वल टू चले 1, 2, 5, तो 5 कॉलम्स है और यहां कंडीशन हो गए इफ एस, इसके अंदर मैंने के दिया कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन आर, एक वेरिएबल ऐसे यहां पे आर नहीं, यहां पे लेता हूं पी या सी लिखता हूं, सी सी इक्वल टू सी प्लस 1 और यहां पे कर दूंगा एंड इफ और नेक्स्ट आई, ठीक है समझे? तो क्या होगा, क्या बोले? नेक्स्ट के नहीं होगा, हाँ नेक्स्ट के होगा, माफ कीजिएगा नेक्स्ट के। और फिर यहां पे कंडीशन होगा कि इफ सी इज इक्वल टू 5 देन से यहां पे आर, यहां पे आर की आर इक्वल टू, आर इक्वल टू पास अदरवाइज एल्स आर इक्वल टू फेल और यहां पे एंड इफ, और यहां पे देंगे हम सेल्स आई रो एंड 5, 6, 7, 8 आठवा नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब एक बार इसको रन करके देखें सर, टाइप मिसमैच जे हुआ नहीं तो है, नंबर हो एस जे, इसके ऊपर रो नंबर 2 एंड ओके ओके, इसमें प्लस 1 करना होगा, यहाँ पे टाइप मिसमैच क्या रहा है, इसमें समझ रहे हैं आप कि इसके जो लॉन्ग है और लॉन्ग पे टेक्स्ट स्ट्रिंग हो रहा है, क्यों? क्योंकि ए आई 1 है, आई 2 है और जे तो 1 ही है ना सर, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है ना, क्या सर? तो क्या करेंगे इसके लिए, इस पे प्लस 1 कर दें, इसको रन कीजिए, क्योंकि मैं यहां पे अगर 2 से करूंगा तो फिर मुझे यहां पे 2 से करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि प्लस 1 कर दूं। अब इसको रन कीजिए, ये सब पे फेल आ गया, ये भी फेल है, सही है फेल है, सही है, सारा फेल ही है। एक काम करता हूँ, एक दो पास कर देता हूँ, मैं पहले को देता हूँ यहाँ पे 35, 36 तो पहला पास होना चाहिए ना, हाँ तो प्रोग्राम सही है, समझ में आया सर कि नहीं? हमने 3 लूप इस्तेमाल किए इसके अंदर, क्या बोले सर? देखिए सबसे पहले समझ बात समझिए कि हमने यहाँ पे एस 1 to 5 के एक एरे ले लिया, हम अलग अलग 5 वेरिएबल ना लेके एरे ले लिया, क्योंकि हम उसको इस तरह से लूप में वैल्यू के इंपोर्ट कर सकते, अगर मैं ये ना लेता तो मुझे 5 वेरिएबल एक एक करके सारे वेरिएबल पे ये देना पड़ता, लोड करना पड़ता, एक एक करके सारे वेरिएबल चेक करने, बस बनना है कि नहीं सर? तो मैंने यहां पे एक एरे लिया और यहां पे वैल्यू को लोड करवाया, वैल्यू लोड होगी सर, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया ये वाला पार्ट? अब वैल्यू लोड हुई है
तो मुझे चेक करना होगा ना कि सारे के सारे जो जितने भी सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो 33 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए मैंने एक और लूप लगाया कि के इक्वल टू चले 1 to 5 और चेक कीजिए कि एस, अब के क्या हुआ 1, मतलब कि एस क्या है, एस वेरिएबल है। तो हम अगर 1 to 2 करके वैल्यू डाल सकते हैं तो 1 to 2 वैल्यू करके वैल्यू निकाल भी सकते हैं। तो मैंने वैल्यू निकाला और चेक किया कि 33 से ऊपर है, अगर 33 से ऊपर है तो सी को एक काउंट दे दो कि 1। तो अगर पांचों सब्जेक्ट में 33 से ऊपर होगा तो सी को कितने मिलेंगे वैल्यू, 5 मिलेंगे, समझे कि नहीं सर। फिर मैंने यहां चेक किया कि सी 5 है ना, 5 है तो पास करो, अदरवाइज फेल करो। अब समझ में आया कि नहीं सर। सर यहाँ पर ऐसा टोटल भी नहीं लगा सकते थे, मतलब 33 into 5 और टोटल इज ग्रेटर देन दिस। नहीं आप समझे नहीं, यहाँ पे क्या था कि हमें हर एक सब्जेक्ट के रिजल्ट को चेक करना है कि सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट 33 से ऊपर होना चाहिए तब हम पास करेंगे। ठीक है ठीक है, और 33 से करेंगे तो हो सकता है एक में ज्यादा हो जाए, एक में कम हो जाए, एक में कम हो सकता है, एक में बहुत ज्यादा। तो उसमें मिनिमम वाला फार्मूला है क्या, मिनिमम वाला फार्मूला है कि मिनिमम अगर किसी का पास होगा 33 से अबव तो पास है। तो फिर रेंज देना पड़ेगा फिर आपको, तो एक्सेल फार्मूला वाला पार्ट हो गया ना, तो वीवीए का पार्ट नहीं रहा ना फिर तो। हाँ तो ऐसे आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना सर। अब देखिए इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हैं हम, जब वैल्यू लोड कर रहे हैं तो यही चेक ना कर लेंगे हम सर क्या, एफ एस अंडरस्कोर जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन सी इक्वल टू सी प्लस 1 एंड क्या, हम यहीं पे चेक कर लेंगे ना सर। लेकिन ये सब चीजें तब होगी जब हमें सारा कंडीशन सेम है, अगर कंडीशन अलग अलग हुआ तो भाई कोई 50 नंबर का पेपर है, कोई 100 नंबर का पेपर है, तब क्या करेंगे सर। तो ऐसे केस में हम नेस्टेड इफ लगाएं, क्या लगाएंगे नेस्टेड इफ, एस कॉमा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैट, अगेन इफ एस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन, फिर तीसरा इफ, अब मैं ऐसे टैब मार रहा हूं ना, जरूरी नहीं टैब मारना, मैंने डिजाइन बनाना जरूरी नहीं, लेकिन डिजाइन से बनाओ ताकि पता चले कौन किसके अंदर है। इक्वल टू 33 देन अगेन इफ एस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन, क्योंकि लूप में तो एक ही कंडीशन चेक होगा ना सर। यहां पे हम 33 की जगह पे 44 डाल सकते हैं, 25 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से क्या। तो जब आपका हर केस में कंडीशन अलग हो तो इस नेस्टेड इफ होगा, फिर आर इक्वल टू पास, फिर एल्स लगाएंगे, एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट 5 में फेल हुआ है, फिर एंड, फिर यहां पे ये चौथा इफ में एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट 4 में फेल हुआ है, फिर यहां पे एंड, फिर यहां पे आते हैं एल्स, जितना इफ लगेगा उतना एल्स लगेगा, जैसे कल बताया था ना आपको सर, सब्जेक्ट यहां पे आर इक्वल टू सब्जेक्ट 3 फेल, फिर यहां पे एंड, तो यहां पे एल्स सब्जेक्ट आर इन सॉरी
आर इक्वल टू सब्जेक्ट फोर फेल सॉरी मिस्टेक ठीक है और फिर एल्स आर इक्वल टू इज सब्जेक्ट वन फेल ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है। हाँ माने यहाँ पे दो चीज हो गई कि हम अपने हिसाब से अलग अलग कंडीशन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चेक कर सकते हैं और हर केस में अपना अलग अलग रिजल्ट दे सकते हैं। तो हमने 33 लिया है तो इसका पर्पस यही हुआ कि ये हमें बता रहे हैं कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फेल है। हाँ देख एक मिनट एल्स एंड वाले के पीछे फेल के पीछे कुछ चलाओ नहीं एंड फोर एंड ही फट गया था इसमें एंड इफ नहीं था हर ये तो अच्छा ये बोल रहे हैं और उससे फर्क नहीं पड़ता इन्वर्टर को हमने पूछा उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है सर माया तो दोनों कंडीशंस मैंने बताया दोनों कंडीशन आप यूज कर सकते हैं वो आपकी श्रद्धा श्रद्धा रखिएगा श्रद्धा कपूर मत रखिएगा ठीक है मनाया। अब क्वेश्चन नंबर बोलिए जैसे आप जो भी लिख रहे थे ना नॉट एबल टू कॉम्प्लीमेंट की मतलब जैसे आपने सीधा ही समझ लिया कि S5 पहला आर मेरे को S5 टेल है मतलब मेरे को बहुत टाइम लगेगा समझने के लिए कि यहाँ पे कौन सा वाला सब्जेक्ट फेल हो रहा है कैसे करें नहीं देखिए यहाँ देखिए हम इसको ऐसे देखते हैं इफ बोलते हैं ये हमारा इफ नंबर टू इफ नंबर थ्री इफ नंबर फोर इफ नंबर फाइव इफ नंबर सिक्स राइट ये समझिए ना ये मान लीजिए मेरा ये मान लीजिए दादा परदादा है उनके बेटे हुए उनके बेटे हुए उनके बेटे हुए या आप इसे समझिए कि ये वर्ल्ड है ये हमारा कंट्री है ये कंट्री के नीचे स्टेट है स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक तो एस के नीचे तो एक जो एक वर्ल्ड जो है वो इस सबको कैरी कर रहा है पहला इफ क्या करेगा चेक करेगा अगर एक ग्रेटर देन 33 है तो ये पूरे को देगा तो अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो तो आप क्या करें एक तरीका मैं बताता हूँ चलिए एक तरीका आपको समझाता हूँ अगर ऐसे प्रॉब्लम लग रही है आपको तो आप इस तरह से करें यहां लगाए फॉर्मूला कि इफ कंडीशन दे कि सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैट हो गया अब इसके अंदर दूसरा इफ ना दे इसके अंदर एल्स दे एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट वन फेल समझ में आया मैं ऐसे ही करता हूँ ये ज्यादा समझ आ रहा हाँ फिर इस ट्रू पार्ट में गया और फिर हम दूसरा इफ लगाएंगे इफ सब्जेक्ट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा एल्स लगाऊंगा एल्स और यहाँ पे सब्जेक्ट टू पे ठीक है सर इसके ऊपर आर के ऊपर आ गया ना सर तो ऐसे ही करते करते बात भी बनेगी एस फाइव सबसे पहले ऊपर आ जाएगा जी हाँ गॉट इट गॉट थैंक यू और फिर इसकी इफ एस इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 अब पूरा कर देता हूँ ना सर वो डिलीट कर दिया ना क्या तो यहाँ पे एल्स एल्स में आर इक्वल टू सब्जेक्ट 3 एंड एल्स फिर इसके अंदर इफ सब्जेक्ट 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट 4 फेल फिर यहाँ पे एंड इफ फिर यहाँ पे इफ S is greater than equal to S4 है ना S5 होगा S5 is greater than equal to 33 then
आर इक्वल टू पास, फाइन ठीक खत्म हो चुका है यहाँ पे पास। फिर यहाँ पे करेंगे एल्स, आर इक्वल टू सब्जेक्ट फाइव फेल, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, मैं दोनों तरीके बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर सेवन ही बता रहा हूं, बाकी आपको करने हैं, तो सब मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे। ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो यहां करता हूं डिम एम एज ए लॉन्ग, डिम जी एज ए, क्या करेंगे यहां पे जी, हाँ स्ट्रिंग, बोलिए जल्दी जल्दी। अब यहां पे लूप लगाएंगे, फोर आर इक्वल टू चले टू टू फोर्टीन, नेक्स्ट आप, फिर यहां देंगे मिशन इफ, यहां पे सॉरी पहले लोड करना पड़ेगा ना, एम इक्वल टू सेल्स आई रो एंड टू कॉलम डॉट वैल, फिर यहां पे लगाएंगे सिलेक्ट के, आप नेस्टेड एल्स इफ लगाए या सिलेक्ट के लगाए, दोनों लगा सकते हैं, क्या लगाए बताइए, सिलेक्ट के से एल्स इफ, तो एक ही लगेगा ना सर यहाँ पे, चलिए यहाँ पे दोनों हम लगा देते हैं, इसको बता दिया नहीं, ये दोनों बता देता हूँ, चलिए मान लिया इफ एम इज लेस देन इक्वल टू 40 देन क्या ग्रेड क्या है, ग्रेड देख लेता हूँ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा जी इक्वल टू सी, और यहाँ पे एल्स इफ m is less than equal to 60 then g equal to b, g करना g equal to b, ठीक है। अब इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहां पे, और 60 की जगह पे क्या हो जाएगा 90, और यहां पे b की जगह हो जाएगा a, ठीक है। else if ये हो जाएगा greater than 90, और यहाँ पे b के जगह हो जाएगा a plus, और लास्ट में क्या हो जाएगा and if, या लास्ट फेल भी देना ना, else क्या करेंगे फेल, g equal to fail, अगर है तो नहीं तो कुछ छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कीजिए sales I row and three number column, ये हो गई आपकी। इससे अगर इसमें अगर select case लगाया तो किसे लगाएंगे select case, यहां करेंगे select case with m case 0 to 40 m equal to c grade then case 41 to 60 m equal to b case 61 to 90 m equal to a case greater than 90 m equal to ए प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे एल्स एम इक्वल टू फेल, और यहाँ पे एंड स्लैप, ठीक है। केस और सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट और उसमें क्या फर्क है, देख लीजिए फर्क सामने, कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो तो सिलेक्ट यूज करें। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें मुझे एक्स्ट्रा, मान लीजिए एक्स्ट्रा ग्रेड देना है किसको किसको, 10 आए 20 आए 30 आए 40 आए ऐसे,
तो यहाँ पे हम सिंपल से लिख देंगे यहाँ पे कि केस केस 10, 20, 30, 40 ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, और एंड लगाना पड़ेगा ना, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, तो बेनिफिट होता है केस में, समझ गए। हाँ बोलिए, हाँ जी, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ एम डाल दिया, भावनाओं में बह के मैंने एम डाल दिया है। हाँ जी, ठीक है, आ गया रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9, एक सारी कोडिंग में आपको भेज दे रहा हूं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आपको खुद करना है, ठीक है सर। यहां आपका फोर लूप खत्म होता है। अगली क्लास में आप फोर इच लूप, डू लूप, व्हाइल लूप, रिवर्स लूप जैसे चीजों को समझ लेंगे, तो आपका नेक्स्ट सैटरडे को लूप भी खत्म हो जाए। तो संडे को लूप से रिलेटेड, जैसे अभी इफ से रिलेटेड प्रोजेक्ट किए हैं, ऐसे लूप से रिलेटेड प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर हमारा कौन सा भेज दिया, क्लास को शुरू में ही भेज दिया था, क्लास के शुरुआत में ही भेज दिया था मैंने, ठीक है समझ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे इसी तरह से इंसेंटिव का कंडीशन है, आपको इंसेंटिव डालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मुझे यहाँ पे स्टेटस जो है ओके और पेंडिंग करना है, ठीक है। बट कब, कंडीशन क्या है कि यहाँ पेन होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टेटस ओके या पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे यहाँ इंसेंटिव देना है, वो भी इस स्लैब पे, कि अगर 40 आया तो 20 रुपये यूनिट, 60 रुपये यूनिट, 80 रुपये यूनिट, 100 रुपये यूनिट। यहाँ पे एग्जाम्पल ही बता रखा है मैंने कि अगर 35 आया तो 35 में बाय 20, 45 आया तो 40 जो है 20 वाले स्लैब का है, यहाँ पे 20 आएगा, और 5 जो है 60 वाले स्लैब का है तो 60 आएगा। 85 में देखिए, इसमें 40 जो है 20 के स्लैब का है, अगेन आपका 40 जो है 60 के स्लैब का है, और 5 जो है 80 के स्लैब का है, तो मल्टीप्लाई करके प्लस किया गया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो 8, 10 तक 11 में क्वेश्चन मत कीजिएगा, 10 तक का क्वेश्चन करना है, वो एक्सेल का क्वेश्चन, इसको कीजिए और मुझे भेजिए।